Good afternoon, everyone. Very nice. Thank you so much. And once again, we are here with a very talented kid. बेटा ये आपका फर्स्ट शूटिंग है ना? आई थिंक सो लेट एडमिशन हुआ था स्कूल में तो फर्स्ट शूटिंग में आप थे नहीं. ओके, जस्ट गिव अस योर स्मॉल इंट्रोडक्शन, योर नेम एंड योर स्टैंडर्ड. माय नेम इज यशिका अग्रवाल, आई एम इन स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड. योर नेम इज रसिक. यशिका. यशिका फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड. यशिका बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने. ये नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं या प्राइवेट कंपनीज के भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अक्सर हमने देखा है कि पढ़ाई लिखाई ख़त्म होने के बाद भी और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को फेस करने के टाइम पे भी अक्सर लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं इनको सॉल्व करने में. ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है, आपको राइट ऑप्शन भी बताना है, एक्सप्लेनेशन भी यू हैव टू डू व्हाई इट इज़ द राइट आंसर. ओके, या यू डब्ल्यू इज द राइट आंसर. बिकॉज़ जल्दी आपने आंसर बताया. कैसे? द लेटर मूव्स फास्ट फॉरवर्ड. ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी वेरी क्यू आर एस जी यू. यू इज द फर्स्ट लेटर वी गॉट. यू. वाओ. सी डी एफ जी एच आई सॉरी नो डी ई एफ जी एच एच आई जे के एल एम एम N O P Q R R S G U V W. In this way we have our both the two letters. इस तरीके से U and W, both the letters we have. क्या बात है? Keep it up, beta. Thank you so much. Very nice explanation. Keep it up.